एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के रिसेंट सर्वे में बताया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 276 सीट्स मिल सकता है। उस सर्वे को मैंने देखा नहीं लाइव टेलीकास्ट, लेकिन एबीपी न्यूज़ के वेबसाइट पे मैंने एक्सटेंसिवली सारी खबरें पढ़ी, तो मेरे मन में ढेर सारे सवाल हैं उस सर्वे के बारे में, और उसी सवाल की हम लोग आज चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि 276 का आंकड़ा ये कैसे निकाला गया। दूसरी बात कि गुजरात, वेस्ट बंगाल और झारखंड का आंकड़ा मुझे कहीं नहीं मिला। तीसरी बात ये कि यूपीए में आखिर किस किस को शामिल किया गया है, जेडीएस, टीडीपी, एनसीपी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके या लेफ्ट पार्टी, इनमें से किसको शामिल किया गया और किसको शामिल नहीं किया गया है ये क्लियर नहीं है। जितनी जानकारी है उसके हिसाब से इस सर्वे का सैंपल साइज था 32,000 करीब, और ये सारे लोकसभा सीट्स को, मतलब 543 लोकसभा सीट्स को कवर किया गया, और एवरेज निकालें तो इसका मतलब होता है कि हर लोकसभा सीट में करीब 60 लोगों से बात की गई। मोटी मोटी बातें ये है कि एनडीए को अगले लोकसभा चुनाव में 276 सीट्स मिलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि एनडीए का वोट शेयर कम होगा, और तीसरी बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर का जो पॉपुलैरिटी रेटिंग 2017 में 69% हुआ करता था, अब वो घट के 60% हो गया है। सर्वे के नतीजे से जुड़े मेरे कई सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि 276 का आंकड़ा कैसे निकाला गया। मैंने जो गिनती की, मैंने यूपी के लिए 70 मान लिया, बिहार के लिए 31 मान लिया, महाराष्ट्र के लिए 36 मान लिया, और बाकी इसी तरह अगर बेस्ट के सिनेरियो को अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 253 सीट्स हो रहा था। लेकिन चूंकि तीन स्टेट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या ये मान लें कि वो तीन स्टेट्स जिसमें कि 82 सीट्स है उनमें से बीजेपी को 23 सीट्स मिलेगा? और इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि क्या ये मान लिया गया है कि एनडीए जो है एकदम से अभी से लेके लोकसभा चुनाव तक एकदम से रॉक सॉलिड रहेगा, और अपोजिशन जो है उतना ही फ्रेगमेंटेड रहा है जो जितना अभी तक रहा है? मेरा दूसरा सवाल कि क्या विधानसभा और लोकसभा में लोग डिफरेंटली वोट करते हैं? इस सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का नतीजा कुछ भी हो, लोकसभा के चुनाव में लोग बीजेपी को भर की वोट करेंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? हमने तीन लोकसभा और पिछले तीन विधानसभा के रिजल्ट को देखा तो तीनों में, मतलब 6 में 1:1 का कोरिलेशन है। तीनों स्टेट्स में जैसा विधानसभा में वोटिंग होता है एग्जैक्टली उसी का मिरर होता है लोकसभा में। तो क्या सी वोटर के सर्वे में कुछ ऐसा ड्रामेटिक रिजल्ट पाया गया, कुछ ड्रामेटिक डेटा पाया गया जिससे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचें कि विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग पैटर्न में कोई कोरिलेशन इन तीन स्टेट्स में नहीं होगा? अब सर्वे में जो बात की गई है सदर्न, मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों की, उसकी बात करते हैं तो सर्वे के मुताबिक 129 सीट्स में से 21 बीजेपी को मिलने वाला है, और हम आपको बता दें कि 2014 में भी बीजेपी को 21 सीट्स ही मिला था, उसमें से 17 कर्नाटक में, 3 आंध्र प्रदेश में और 1 तमिलनाडु में। अब थोड़ा सा तब से लेके अभी तक में मटेरियल कंडीशन चेंज हो गया है। उस समय बीजेपी की एलआई टीडीपी थी, अभी बीजेपी का कोई एलआई नहीं है आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर वहाँ कुछ नुकसान होता है तो इस नुकसान की भरपाई क्या कर्नाटक में हो जाएगी या फिर तमिलनाडु या केरल में हो जाएगी? तीसरी बड़ी बात है जो सर्वे में कहा गया है कि उड़ीसा में इस बार बीजेपी किला फतह करने वाली है, मतलब सबसे ज़्यादा सीट्स नवीन पटनायक की पार्टी से भी ज़्यादा सीट बीजेपी को मिलने वाली है, और ऐसा करने के लिए बीजेपी को अपना जो मौजूदा वोट शेयर है 22% का उसमें बड़ा छलांग लगाना पड़ेगा। अब सर्वे के नतीजे में दूसरी बात ये कही गई है कि ऑल इंडिया वोट शेयर जो है एनडीए का वो कम होगा। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर उड़ीसा में बहुत बड़ा गेन हो रहा है और फिर भी अगर ऑल इंडिया एवरेज कम है तो इसका मतलब दूसरे राज्यों में ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन सीट्स प्रोजेक्ट जो किया गया है उसमें बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी को नुकसान नहीं दिखाया गया, जैसे बिहार में लास्ट टाइम भी 31 था, इस बार भी 31 प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दिल्ली में लास्ट टाइम भी 7 था, इस बार भी 7 बताया जा रहा है, हरियाणा में लास्ट टाइम 7 था, इस बार 6, थोड़ा सा मार्जिनल लॉस बताया जा रहा है, 6 बताया जा रहा है। सवाल ये है कि वोट शेयर पिछले बार की तुलना में कम हो रहा है और इन स्टेट्स में ज़्यादा कम हो रहा है, तो वो सीट्स में उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा? मतलब ये कि हम
वोट शेयर को कम होता दिखा रहे हैं, लेकिन सीट शेयर जो है एग्जैक्टली उसी तरह का बता रहे हैं जिस तरह की 2014 में था। और आखिरी सवाल, हाल में 3 क्रूशियल स्टेट्स में बाय इलेक्शन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में अररिया, यूपी में फूलपुर, गोरखपुर कैराना और महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया, तीनों जगह एकदम चौंकाने वाले रिजल्ट आए। तो क्या हम ये मान लें, और वो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, अररिया वाला तो बड़ा ही ड्रामेटिक रिजल्ट था, तो क्या ये मान लें कि वो वन ऑफ इवेंट था, एक्सेप्शन था, जिसका लोकसभा चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर्वे के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी रेटिंग कम हो रही है, एनडीए का वोट शेयर कम हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट उतने ही आ रहे हैं, कम से कम मेजर स्टेट्स में, जितना 2014 में सिचुएशन था। अब इसके पीछे का लॉजिक कोई समझा दे, मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है।